प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्य पत्रिका। दिनांक 22 तारीख की कार्य पत्रिका है और नंबर 94 की है। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम। केजी के बच्चों के लिए है ये वर्कशीट। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आइए, अभी तक हमने जो भी अक्षर सीखे हैं आज मिलकर उनका अभ्यास करें। तो आज तक हमने जितने अक्षर सीखे हैं आज हम उनका मिलके अभ्यास प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला, आइए नीचे दिए अक्षरों को पहचानें और उनका मिलान करें। तो ये रहा क, क से क को मिलाएंगे, प से प को मिलाएंगे, ज से ज को मिलाएंगे। अगला, चलिए अब फूलवारी की कार्य पत्रिका संख्या 41 को पूरा करें। अब फूलवारी की जो संख्या पत्रिका 41 है आप उसे पूरा करेंगे। अगला, आइए अब हम मिलकर नीचे दिए गए चित्रों के समूह से जिस अक्षर की आवाज आ रही है उस पर गोला लगाएं। तो आपने ये चित्र देखने हैं और बताना है कि ये किस अक्षर से शुरू होते हैं, उस अक्षर पर गोला लगाना है। जैसे ज से जूता, ज से जीप, ज से जोकर, ज से जलेबी। तो किसको गोला लगाएं? ज को। वैसे ही क से कुर्सी, क से किताब, क से कबूतर, क से कछुआ। तो क को गोला लगाएं। अगला, प से पत्ता, प से पेड़, प से पपीता, प से पिंजरा। तो किसे गोला लगाएंगे? प को। बच्चों, इन अक्षरों से संबंधित एक एक चित्र अपनी ड्राइंग फाइल में बनाकर उसमें रंग भरिए। तो इन्हीं अक्षरों से एक एक चित्र अपने ड्राइंग फाइल में बनाना है और उनमें रंग भरना है। तो चलिए साथ में करते हैं। एक बनाएंगे ज से, एक बनाएंगे क से और एक बनाएंगे प से। ज से बनाते हैं जग, ज से जग, ठीक है, बहुत ध्यान से बनाएंगे और मामा पापा की हेल्प भी ले सकते हैं। मेरे पास जग ही कम है तो मैं पतला सा बना रही हूँ, अब थोड़ा मोटा भी बना सकते हैं, ठीक है। आपका जैसे जग, और यहाँ से इसका मुंह थोड़ा सा पतला, ठीक है। क से बना सकते हैं हम कमल, क से बना सकते हैं कमल। तो आइए बनाएं कमल, ठीक है बच्चों। जिनसे नहीं बन रहा है वो मम्मा पापा की हेल्प ले सकते हैं और अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि माउस से तो थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, बट पेंसिल और इरेजर का यूज करके सुंदर सुंदर बनाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑफलाइन हो गया है, इसे जब आप पतला ही बनाया है तो पतला ही सही, ठीक है। और यहाँ से नीचे को अब बना लेते हैं, बहुत ध्यान से बनाएंगे सभी लोग और सुंदर बनाएंगे, ठीक है। क से कमल बना सकते हैं। नेक्स्ट है प से, तो प से आप बना सकते हैं पतंग। सबसे आसान होगा आपके लिए पतंग बनाना, तो पतंग बना लेंगे, ठीक है। प से पतंग, सब बच्चे बनाएंगे प से पतंग। इसे छोटा बनाइएगा, ये थोड़ा बड़ा है, इसे आप थोड़ा छोटा बना सकते हैं इसकी स्ट्रिंग के लिए। और यहाँ से स्ट्रिंग निकाल दीजिए, ठीक है, पौसे पतंग। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
और रंग भी भरना है, चित्र बनाकर रंग भी भरना है। अभिभावकों के लिए सुझाव, मम्मी पापा के लिए सुझाव है, बच्चों को सब्जियां खाने के गुण समझाते हुए सभी सब्जियां खाने के लिए प्रेरित करें, यह गीत भी करवाएं। तो बच्चों, सबसे ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी होती हैं सब्जियां, तो हमें सब्जियां खानी चाहिए। अब ये गीत भी गाना है तो साथ में गाते हैं। आलू बोला मुझको खो खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गोभी मटर टमाटर बोले, अगर हमें भी खाओगे खूब बड़े हो जाओगे, खूब बड़े हो जाओगे। ठीक है, आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गोभी मटर टमाटर बोले, अगर हमें भी खाओगे खूब बड़े हो जाओगे, खूब बड़े हो जाओगे। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता गीत, इसे आप गाएंगे दोहराएंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेंगे ताकि आपकी वर्कशीट मिस ना हो आने वाली। और COVID-19 के दौरान ये आपको ध्यान में रखना है कि अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन व पानी से धोते रहना है। तो बच्चों, वर्कशीट हो गई कंप्लीट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपको कल आपकी नई वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।